हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद सरताज और आप देख रहे हैं सरताज फर्नीचर आई के यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि हम रूटर से लोवर कैसे काट सकते हैं, जो उसमें कट मारते हैं हम बोर्ड में, किसी भी बोर्ड में जो लोवर टाइप का हम काटते हैं, लाइनिंग लाइनिंग सी जो काटते हैं उसको लोवर बोलते हैं, वो हम किस तरीके से काट सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। तो आइए दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों हम आ चुके हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोस्तों ये हमारा रूटर है, इसके हम थल खोल लेंगे, ठीक है। इसके रूटर के नीचे की तरफ थल में चार पेच लगे हुए होते हैं, हम सबसे पहले इसके पेच खोल लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों ये पेच खोल के इसकी हम थल बांध देंगे प्लाई की, ये दो इसमें पट्टियाँ ठोक लेंगे प्लाई की, ठीक है। ये हमारी पट्टियाँ हैं, एक ये वाली पट्टी है हमारी और एक ये है, ये दो पीस खींच लेंगे प्लाई के, ठीक है। इसके दोस्तों ये सुराख कर लेंगे, जितनी दूरी पे उसके सुराग हैं उतनी दूरी पे इसमें दो इन दोनों प्लाईयों में सुराख कर लेंगे हम, ठीक है। फिर इनको हम खींच लेंगे, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। एक इस साइड खींच लेंगे हम और एक दूसरी तरफ खींच लेंगे। ये इस तरीके से हम इसमें ये प्लाई खींच लेंगे, ठीक है। ये देखिए दोस्तों ये हमारी प्लाई खींच चुकी है। अब दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बिट इसके बीच में लगा हुआ है, रूटर में जो हमारा बिट होता है लगा हुआ, उससे एक इंची दूर करके ये प्लाई हम खींचेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम निशान लगाएंगे, ठीक है। ये हमारा 12 mm का बिट लगा हुआ है इसमें रूटर में, 12 mm का हम लूवर खींचेंगे, लूवर काटेंगे 12 mm का। इस तरीके से हम बिट से इसको पट्टी को लगाएंगे इस तरीके से, और ये निशान लगा लेंगे, ठीक है। ये देखिए ये वाला हमारा बिट है, और बिट से इस तरीके से इसको लगाएंगे, बिट में जो ब्लेड होते हैं ब्लेड से लगाएंगे इस पट्टी को, और इस तरीके से दो निशान मार लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों इस निशान पे से हम 1 इंची पीछे करके एक और निशान लगा लेंगे, पूरा करेक्ट 1 इंची पीछे हटा के, ठीक है। क्योंकि 1 इंची का हमारा लोवर कटेगा तो 1 इंची पीछे हटा के एक निशान लगा लेंगे, और इस तरीके से अब इसको निशान को भी मार लेते हैं हम। ये देखिए दोस्तों ये लग चुका है हमारा निशान। अब दोस्तों ये हमारी जो प्लाई है ये हमारी 10 या 11 mm की हम काट लेंगे, ताकि ये जो हमारा बिट है, बिट इसमें 12 mm का लगा हुआ है हमारा, ये प्लाई काट लेंगे हम 11 या 10 mm की, मतलब एक आध सूत इसको लूज ही रखेंगे, ठीक है। इसको हम 11 mm की प्लाई को काट लेंगे, 11 mm चौड़ी चीर लेंगे प्लाई को, और इस तरीके से इससे 1 इंची बिट से 1 इंची पीछे हटा के इसको खींच लेंगे हम, ठीक है, इस तरीके से। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से इसको प्लाई को हम खींच लेंगे, मतलब ये इस तरीके से दोस्तों इसको हम खींच लेंगे, ठीक है। इससे बिट से हम 1 इंची हटा के इसको खींचेंगे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारा 1 इंची का लूवर कटिंग होगा इसलिए। अब दोस्तों ये जो हमारी पट्टी हमने खींची है 6 mm की है, अब 6 mm मोटी है। अब इससे दूसरी साइड को हम 2 या 3 mm की एक MDF की पट्टी ठोक लेंगे, क्योंकि हमारा 2 mm का तो हमारा लूवर कटिंग होगा, मतलब बिट हमारा अंदर को बैठेगा, इसलिए ये हमारा रूटर टेढ़ा ना हो, इसलिए एक दूसरी तरफ भी हम 2 mm की एक MDF ठोक लेंगे। दोस्तों इसकी टक्कर से चलाएंगे, प्लाई की टक्कर से इसको चलाएंगे रूटर को मिला के, और इस तरीके से इसको लूवर को कटिंग कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों ये लूवर हमारा इस तरीके से लूवर कटिंग होगा। मैं आपको अभी प्रॉपर तरीके से काट के दिखा देता हूँ पूरे तरीके से। ये देखिए दोस्तों इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से लूवर कटिंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। दोस्तों CNC बहुत से लोग होते हैं कि CNC मशीन से ये लूवर कटिंग कराने जाते हैं, उससे बहुत महंगा पड़ता है, 100 110 रुपये 120 रुपये फुट के हिसाब से वो कटिंग करता है CNC मशीन वाला। तो एक लूवर हमारा कम से कम भी नहीं तो 3,000 3,200 रुपये का पड़ता है, ठीक है, 3,000 3,200 3,500 रुपये तक का लूवर कटिंग होता है एक बोर्ड में, ठीक है। तो उससे अच्छा है कि हम घर ही अपने, मतलब इस रूटर से
4-5 हज़ार रुपये का ये रूटर आता है। इसको रूटर को लेकर के हम कटिंग खुद ही कर सकते हैं और हम पता नहीं कितने बोर्डों पे इससे कटिंग कर सकते हैं, वो सबसे बेहतर और सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, ये हमारी पट्टी चलेगी दोस्तों। ये जो हमने इसमें 11 mm की पट्टी काट के लगा रखी है इसकी थल पे, वो पट्टी हमारी इस खाने में चलेगी और इस तरीके से हम इसको चलाएंगे। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, अब हमने इसको 1 इंची का लूबर कटिंग कर रहे हैं इसमें। ठीक है, और ये पट्टी हमारी 1 इंची बिट से हटा के हमने बांध रखी है, इस तरीके से आपको दिख रही है ये। इस तरीके से इसको हम चलाएंगे इसमें, ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम लूबर कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, कोई मुश्किल नहीं होता। एक बार अगर इंसान को पता चल जाए तो कोई मुश्किल नहीं होता लूबर कटिंग करना, अब बहुत ही आसान होता है। एक बार इंसान को पता चल जाना चाहिए कि किस तरीके से हम लूबर कटिंग कर सकते हैं, तो कोई मुश्किल नहीं होता। इसी तरीके से दोस्तों हम रखते जाएंगे उसके जो लूबर की कटिंग, जो उसमें खांचा कट रहा है उसमें इस पट्टी को रखते जाएंगे और लूबर कटिंग करते जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम लूबर कटिंग कर सकते हैं। ये इस तरीके से हमारा बिट चलता है इसमें, ये देखिए ऐसा हमारा बिट चलेगा। और यहाँ पे ये लूबर हमारा कट रहा है दोस्तों। इस तरीके से हमारी ये पट्टी जो हमने 11 mm की पट्टी प्लाई की लगा रखी है, वो लूबर में इस तरीके से हमारी चलेगी। आपको दिख रही होगी इसका जो खांचा कटता जा रहा है वो इस तरीके से इसमें चलता चला जाएगा और हमारा 1 इंची का लूबर कटिंग होता चला जाएगा। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से इसमें रखेंगे इसको हम, जो हमने 1 इंची की पट्टी इसमें ठोक रखी है, ऐसे रखेंगे और इसको आगे को हम करते चले जाएंगे। ठीक है, ये देखिए, ये वाली हम इस वाले खांचे में इसको चलाएंगे। 1 इंची की दूरी पे ये बांध रखा है ब्लेड हमने, ये इसमें हमारी चल रही है इस तरीके से, इसको इस तरीके से लूबर चला दें, इस तरीके से इसमें लूबर हम कटिंग करते चले जाएंगे। इतना आसान होता है दोस्तों लूबर कटिंग करना। दोस्तों इसका एक चीज़, एक फ़ायदा और भी है कि कुछ लोग होते हैं कि सीधीदार की पट्टी रख कर तब लूबर काटते हैं, लेकिन उससे अच्छा तरीका ये है कि हमारा एक तो बहुत जल्दी लूबर कटिंग हो जाता है, क्योंकि बार बार निशान लगाना नहीं पड़ता, बार बार सीधीदार की पट्टी नहीं पकड़नी पड़ती है वो। ठीक है, इस ये हमारा इसमें खांचे में चलता रहता है और एकदम फटाफट फटाफट लूबर कटिंग होता रहता है। ठीक है, इस तरीके से। और फिर एक चीज़ और भी है, अगर हम सीधीदार की पट्टी रख के लूबर कटिंग करते हैं तो कभी छोटा बड़ा कभी आगे पीछे निशान हो जाता है, तो उसमें लूबर कटिंग होने में दिक्कत भी हो जाती है। और इसमें प्रॉपर तरीके से 1 इंची दूर ही हमारा बिट चलता है, तो एकदम करेक्ट लूबर इसमें कटिंग होता है, कोई छोटा बड़ा इसमें ये दिक्कत नहीं आती। ठीक है, और एकदम जल्दी भी इससे कटिंग होता है। अगर हम सीधीदार की पट्टी रख के हम कटिंग करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये देखिए दोस्तों, मैं आप इसको साफ़ करके दिखा देता हूँ आपको कि कितना बेहतरीन तरीके से हमारा लूबर कटिंग हुआ है। ये देखिए दोस्तों, कितना अच्छे तरीके से हमारा लूबर कटिंग हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। फर्नीचर से रिलेटेड दोस्तों अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। और दोस्तों 92% लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और मेरी वीडियो देखते हैं, 92% लोग ऐसे हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और मैं नई जल्दी से जल्दी आपके लिए वीडियो बना के ला सकूँ। ठीक है, ये देखिए दोस्तों,
ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम बहुत ही आसानी से लूबर कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, दोस्तों कितना ही अच्छा हमारा लूबर ये कटिंग हुआ है, एकदम परफेक्ट तरीके से। ठीक है, तो अब सीएनसी मशीन पे कटिंग कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपने घर बैठे भी लूबर कटिंग कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए दोस्तों, कोई ज़रूरत नहीं है सीएनसी मशीन वाले को, या फिर लूबर कटिंग अगर हम कराने जाते हैं उसको पैसे देने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत महंगा कटिंग होता है ये, इसलिए हम घर भी कर सकते हैं कटिंग। तो क्या कोई ज़रूरत नहीं है इसको, हम बाहर कटिंग करा के लेके आएँ। ठीक है, इस तरीके से हम घर पर ही इसको लूबर को कटिंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी वीडियो चाहिए फर्नीचर से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको वीडियो बना के दे दूँगा। ठीक है, ये देखिए कितने कितने अच्छे तरीके से हमारा लूबर कटिंग हुआ है पूरा बोर्ड। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।